देखो ये है सारी नायल की तस्वीरें और ये डॉली की शादी, डॉली है ना वो आजर की कजन है डॉली, उसकी नबील के साथ जो शादी हुई थी, ये सारी उसकी तस्वीरें। और ये सुखैना और लैला और बाकी दोनों बच्चे। ओ तो ये है वो सुखैना जिसकी मैला फैमिली में शादी हुई है। मैला नहीं भाई, मेला, बड़े जमींदार हैं वो। वैसे ये तस्वीरें लगाने का तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ है ना। अच्छा ना, अच्छा चलो छोड़ो इसको, तुम कुछ खाओ ना। रबिया किधर है? पिछले 3 हफ्ते से फराज के साथ लंदन गई है। लंदन गई? फराज की शूटिंग थी ना तो उसके साथ चली गई भाई। लेकिन उसकी तो डिलीवरी डेट आने वाली है। हाँ हाँ, मगर उसने सोचा कि कुछ नाइल के लिए शॉपिंग कर लेगी, कुछ अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करेगी भाई। लेकिन ऐसे दिनों में उसको ट्रैवलिंग तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा, और वैसे भी तुम्हारे मशवरे जो है ना तुम्हारी तरह से खड़क चुके हैं। खड़क चुके? ये किस किस्म की जबान बोल रही हो तुम? अगर तुम 2 शादियां पंजाब में अटेंड कर लो ना तो तुम भी ऐसी जुबान बोलना शुरू कर दोगी। अच्छा ये बताओ बर्थडे का क्या प्लान है? कितने साल की हो रही हो तुम? कितने की भी मैं हूँ, तुमसे बस सिर्फ 2 साल बड़ी हूँ। 2 साल बड़ी हूँ? ये क्यों नहीं कहती 10-20 साल बड़ी हो मुझसे? ओह छोड़ो। अच्छा आज़र और सिला ने कोई प्लान किया तुम्हारी बर्थडे का कि नहीं? पता नहीं, और वैसे भी इस उम्र में बर्थडे क्या मनाना। क्या मतलब बर्थडे का कोई प्लान नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने आई हो या तीली लगाने? व्हाट, तीली लगाने? ये तो खुदा के लिए पंजाब में जाना कम कर दो। अच्छा अच्छा चाय पियो। और जो तुमने मुझे बर्थडे पे प्रेजेंट देना था ना वो नेकलेस, बेशक मत देना। ऐसा मैंने क्या कह दिया? कुछ भी तो नहीं, चाय पियो, चलो चाय पियो। सो जाओ सो जाओ। नो रोना नहीं ना, लेट्स स्लीप। हाँ भाई। ओ क्या हो रहा है, फिर से कपड़े बदल रहे नाइल? हेलो नाइल, हेलो मेरा बच्चा, की तो साफ साफ हो गया है। क्या हो रहा है, कपड़े बदले जा रहे हैं? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं होना। क्या हुआ, कपड़े क्यों बदल रही हो फिर से? नानी बस हर 15 मिनट बाद थूके मार के गंदे कर देता है। हाँ तो कौन सी आफत आ गई, बच्चा है ना, है ना, प्यारा प्यारा बच्चा है नाइल। और माफ करना सिला, तुम भी कोई बहुत टाइडी बच्चा नहीं थे। ये लो पहनाओ ना इसे। अच्छा आपकी सहेली कहाँ है? चली गई भाई। क्या कह रही थी? बस ऐसे ही, द यूजुअल गॉसिप। और पूछ रही थी कि रबिया कहाँ है, मैंने कहा लंदन गई हुई है। कहने लगी आजकल तो उसे ट्रैवल करना नहीं चाहिए। आई नो, लेकिन डिलीवरी में भी तो अभी टाइम है ना नानी। आई नो, मगर फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती, क्या जरूरत थी? चले कोई बात नहीं। सिला तुम्हारा और आज़र का कल का क्या प्रोग्राम है? कल? कल क्या है? 15 तारीख। तो नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी कि तुम्हारा कल कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं नानी कल प्लान नहीं है, लेकिन आपको पता है ना कि कितनी लेट आता है वो आजकल ऑफिस से, कोई 5-6 मीटिंग तो उसकी सिर्फ कल ही है। मैं यही सोच रही हूँ कि फिर डे स्पेंड करने के लिए लैला के पास चली जाऊँ। इनफैक्ट आई जस्ट गिव हर अ कॉल। हेला सिला घर पे भी कोई वक्त गुजारा करो। क्या कोई प्लान है आपका कल? मेरा नहीं, नहीं तो? तो फिर अच्छा है ना, आप नाल को संभाल लीजिएगा, ठीक है? मैं उसको भी फोन करी हूँ फिर। हेलो ये याद से चेक दे देना सुबह सलीमी साहब को। और आज़र के लिए खाना ना लगाएगा? क्यों, आज़र खाना नहीं खाएगा क्या? वो नानी उसका फोन आया था, उसने कहा कि उसने ऑफिस में ही खा लिया है। भाई ये भी कोई बात हुई भला, खाना घर पे आके खाना चाहिए। नानी लेट हो गया था ना, और फिर आप कहेंगे कि मैं अंडरस्टैंड नहीं करती। जाओ दरवाजा खोलो। ठीक है जी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। सब मुझे दे दें? नहीं नहीं अब बस तुम गाड़ी में से पेपर्स निकाल लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई तुम्हें खाना घर पे खाना चाहिए। मानो इतना टाइम हो गया था ना इसलिए बाहर खा लिया। देखे तो सही, अभी तक सोई क्यों नहीं? वो सोच रही थी कि 12 बजे क्या? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब सुनो नाइल कहाँ है? वो तो सो गया। अच्छा चलो ये तो अच्छा हुआ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं। थोड़ी देर तो और रुको, अभी 12 बज जाएंगे। नानो सुबह सुबह फिर उस बॉस की शक्ल देखनी होती, बहुत काम कराते हैं वो। चलो लेट्स गो। सिला तुम तो रुक जाओ,
तुमने कौन सा ऑफिस जाना है? नानी वो नायल सुबह सुबह उठा देता है ना, आप भी सो जाएं, आप क्यों इतनी लेट तक जागी रहती है? एग्जैक्टली वो मैं सोच रही थी कि शायद रबिया और फराज फोन करें। वो क्यों फोन करेंगे इतना लेट, सो गए होंगे वो अभी। अच्छा आपकी मर्जी, हम तो सोने जाते हैं। क्या फायदा है ऐसी औलाद का जिसको एक सालगिरह तक याद ना हो। और उस आसिर को देखो भाई, तू 15-20 मिनट रुक ही जाओ, लेकिन रुकने का फायदा जब सालगिरह ही याद नहीं थी। कैसे हैं ये भी? हम भूल गए होंगे। और ये तुम्हारा आइडिया होगा है ना? जी नहीं, आपकी फैमिली में सिर्फ एक इंटेलिजेंट आदमी, वो है मैं। हेलो, क्या आइडिया मेरा था? और तुम कहाँ थी इतने दिन? मैं वो नानी, मैंने सोचा कि मैं आपको बड़ा सा सरप्राइज दूँ। इट्स रियली हैवी, सो जल्दी से ब्लो करें कैंडल। और नायल भी उठ जाएगा, सो जल्दी जल्दी क्विक। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। लेट्स गो। मुझे डाल के दो। ओह, पहले मामा का फोन। सुनो, हेलो जी मामा, सरप्राइज हो गया। बात करेंगी नानी से एक मिनट? हाँ लाउड। अरे हेलो रबिया, थैंक यू सो मच, बच्चों ने तो बस, थैंक यू थैंक यू। शहाब, पेंट वाले आ गए? जी आ गए। आपने जो रंग बोला था ना वो नहीं मिला, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे का कमरा पेंट करना है, कोई बेकरी नहीं बनानी है। सारे तजुर्बे उन्होंने हम पर ही करने, उनसे कह देना कि एक ब्रश लगाने से पहले मुझे दिखा कर लगाएं। जी अच्छा। सिला उठ गई क्या? वो सोती ही कहाँ है, कभी तो बच्चे को सुला रही होती हैं। अच्छा और... बस शहाब, बस बस, दो मिनट तुमसे बात करो दिमाग खोखला हो जाता है। चलो जाओ यहां से। ओह माय गॉड, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया जी? साइमा चौधरी की नुमाइश हिट हो गई, अब तो लोग चीन से देखने आएंगे उन्हें। माशाल्लाह से एक ही है पूरे कायनात में। कार्ड्स कहाँ हैं? कार्ड्स कहाँ हैं उस नुमाइश के? आपको कार्ड की क्या जरूरत पड़ गई? आपको कौन रोकेगा जाने से? आप तो माशाल्लाह सगे रिश्तेदार हैं उनकी। अरे भाड़ में गई रिश्तेदारी, जो मुझे बातें सुननी पड़ेंगी उसकी। कार्ड्स कहाँ हैं? मैं तुम्हें पता है मैं यहाँ रख देती हूँ कार्ड्स, ताकि मुझे याद रहे। मगर कहाँ है, कहाँ है? यहाँ तो कोई कार्ड नहीं है, कहाँ गए?